भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की दिल्ली NCR के मौसम को लेकर की गई भविष्यवाणी सच हो गई है। दरअसल IMD ने कहा था कि दिल्ली NCR में प्री मॉनसून 21 जून से शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर दिल्ली NCR में बारिश ने दस्तक दी, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। दोपहर करीबन 2 बजे तेज हवाएं चली, बादलों से आसमान ढका हुआ था कि तभी बारिश ने दस्तक दी। मौसम विभाग का कहना है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के RK पुरम, पंजाबी बाग और सदर बाजार के आसपास के इलाकों में बारिश आई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। IMD ने दिल्ली को अभी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की भविष्यवाणी की है। शनिवार और रविवार को आसमान में आशंकित रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इस बात की भी जानकारी दी गई है कि दिल्ली NCR को फिर से प्रचंड गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 5 दिनों में दिल्ली NCR में भयंकर गर्मी के कारण कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार राजधानी का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर 1 बजे 173 की रीडिंग के साथ मॉडरेट लेवल पर रिकॉर्ड किया गया।